यूनियन बजट 2024 से जुड़े दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2024 को आए इंटरिम बजट के हिट्स एंड मिसेस क्या रहे? ईमानदारी से कहे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने छठे बजट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हमें लगता है कि पिछले बजट में एक्सपेक्टेशंस को मीट किया गया और लग रहा है कि भारत जल्द ही टॉप 3 इकोनॉमिक पावर्स में साल 2030 तक शामिल हो जाएगा। अब यूनियन बजट के हिट्स पर बात करते हैं। पहला, भारतीय इकोनॉमी रिजिलियंट देखने को मिली। भारत करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 7% के ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। यह आंकड़ा आरबीआई के ग्रोथ प्रोजेक्शन से भी मेल खाता है, जहां पे उनका आंकड़ा 7.3% ग्रोथ रेट का है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट FY23 के लिए 6.4% जीडीपी का था और FY24 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट जीडीपी का 5.9% है। वित्त मंत्री को फिस्कल डेफिसिट 4.5% पर लाना है जीडीपी के साल 2025-26 तक। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले रुपीज 11.11 लाख करोड़ पर कर दिया या जीडीपी का 3.3% FY24-25 के लिए। रेल मोबिलिटी और कनेक्टिविटी को मॉडर्नाइज करने के लिए बड़े स्टेप लेते हुए कैपिटल आउटले रेलवेज के लिए रुपीज 2.55 लाख करोड़ तक कर दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 की तुलना में 9 times ज्यादा है। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज वंदे भारत स्टैंडर्ड्स के अनुसार कन्वर्ट किए जाएंगे सेफ्टी, कन्वीनियंस और कम्फर्ट के नजरिए से। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 517 नए एयर रूट्स की घोषणा की गई, जहां 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी किया जाएगा, बढ़ती हुई एविएशन सेक्टर की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए। साथ साथ वित्त मंत्री ने यह भी वादा किया कि वे एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 149 कर देंगे, यानी कि डबल। ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जनवरी 2024 में रुपीज 1.72 लाख करोड़ पर देखने को मिला, जो कि सेकेंड हाइएस्ट है। ये लगातार 11वां महीना है कि जहां गुड्स एंड सर्विस टैक्स मॉपअप रुपीज 1.5 लाख करोड़ के ऊपर आया है। 7वां, डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 8वां, डिक्लाइनिंग जीएनपी। 9वां, बढ़ते वॉल्यूम डिजिटल ट्रांजैक्शंस के। और 10वां, हेडलाइन इन्फ्लेशन में गिरावट। अब मिसेस की बातें करते हैं। पहला की फोकस एरिया ये है कि जॉब्स को जनरेट करना जरूरी है, खासकर की रूरल इकोनॉमी में। दूसरा, जहां टैक्स रेवेन्यूज रोबस्ट नजर आ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज अभी भी चुनौती है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में कम प्रोग्रेस देखने को मिला है, जहां पे एयर इंडिया की सेल को छोड़कर कोई अच्छी सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक सेल देखने को मिली नहीं है। और आखिर में बजट में इंसेंटिव देना चाहिए एमएसएमई और टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। संक्षेप में और ईमानदारी से कहे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट के बाद मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बॉटम लाइन, निफ्टी 21,726 लेवल, जो कि 1 फरवरी को आंकड़ा देखने को मिला था, उससे बढ़कर 24,324 के माइलस्टोन को पिछले हफ्ते हासिल कर पाया, यानी कि पिछले 5 महीनों में 10.68% के गेंस देखने को मिले। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, यह हमारे बजट सीरीज का सेकेंड वीडियो था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।